हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 10 सेंटेंस सिखाने वाला हूं और 10 सेंटेंस के साथ साथ आप ग्रामर की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, ग्रामर की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी हिंदी सेंटेंस को समझ पाते हैं और उसका ट्रांसलेशन भी कर पाते हैं, राइट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पहला सेंटेंस क्या है, उससे पूछा जाना था या फिर मान लीजिए उसे बताया जाना था। इस तरह के सेंटेंस आपको बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? दोस्तों, आप क्या करेंगे, टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म टू बी के साथ, और उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे। जैसे यहाँ पर पूछा जाना था तो ये पास्ट में है, ठीक है, था, तो दोस्तों आप हैड यूज़ करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हैड क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। पूछा जाना था, बताया जाना था, किया जाना था, दोस्तों इस तरह के सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो ही यानी उससे या वह, हैड टू बी आस्क्ड, आस्क यानी पूछना, तो टू बी आस्क्ड यानी पूछा जाना, और हैड लग गया तो था हो गया, तो उससे पूछा जाना था, राइट। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, हैड। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अगला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, कंपनी शुरुआत से ही आगे बढ़ने के लिए प्रयास किए जा रही है, प्रयास किए जा रही है। द कंपनी, ठीक है, कंपनी को हम इंग्लिश में कंपनी ही कहते हैं, द कंपनी, ठीक है। अब सवाल है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर करेक्ट होगा, राइट। तो आप इसके लिए जो है हिंदी के लास्ट में देखेंगे किया जा रहा है, ठीक है, या कोई जो है कोई भी काम किया जा रहा है, उसे मारा जा रहा है, उसे बताया जा रहा है, कोई भी प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों ये मालूम पड़ता है कि प्रेजेंट टेंस में है, राइट। तो वॉज होगा ही नहीं, क्योंकि वॉज का हम पास्ट में प्रयोग करते हैं। शुड मतलब होता है चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, राइट। इन दोनों में से होगा, तो कंपनी जो है एक सिंगुलर नाउन है, यानी एक एक वचन करता है, एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे, राइट। किसका दोस्तों, हैज का। तो हैज बीन स्ट्राइविंग, यानी ऐसा किया जा रहा है, कब से, टू ग्रो सिंस इट्स इंसेप्शन। दोस्तों इंसेप्शन मतलब होता है शुरुआत या प्रारंभ, इनसेप्शन यानी शुरुआत या प्रारंभ, सिंस यानी से, यानी शुरुआत से ही, टू ग्रो मतलब कि आगे बढ़ना, विकास करना, स्ट्राइविंग मतलब होता है प्रयास करना, राइट, स्ट्राइविंग टू ग्रो, बढ़ने के लिए प्रयास। तो द कंपनी हैज बीन स्ट्राइविंग टू ग्रो सिंस इट्स इंसेप्शन, यानी अपने शुरुआत से ही, इट्स यानी अपने, ठीक है, इट्स इंसेप्शन अपने शुरुआत से ही कंपनी आगे बढ़ने के लिए प्रयास किए जा रही है, राइट। तो ये दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो इस तरह से आपको टेंस भी पहचानना है और सेंटेंस का जो करेक्ट ट्रांसलेशन है वो आपके सामने है, राइट। इस तरह से आप ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दोस्तों बहुत फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, कौन सा है, दिवाली खुशी से मनाई गई, राइट। तो आपको पहले हिंदी सेंटेंस पढ़ना है और उसके लास्ट में देखना है मनाई गई, ठीक है, मनाई गई, मारा गया, बताया गया, ठीक है, कोई काम किया गया या की गई। तो दोस्तों ये हो जाता है सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस, राइट। तो ये पहचान हो गई कि ऐसे आप पहचानोगे दिवाली, ठीक है। आप हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ करोगे, ये सिंपल पास्ट का है, तो जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम वॉज या वर यूज़ करते हैं, कुड शुड का प्रयोग नहीं होता, राइट। अब चूंकि दिवाली जो वर्ड है, जो सेंटेंस है, वो एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हम वॉज का प्रयोग करेंगे। दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड, यानी मनाया जाना, मनाना,
विथ जॉय यानी खुशी से, जॉय मतलब आनंद या खुशी, विथ यानी से, ठीक है, खुशी से दिवाली मनाई गई, दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड विथ जॉय। ठीक दोस्तों, हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, वॉज होगा। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। यहाँ पर पेन से लिखा जाना है, जैसे बोलते ना कि भाई यहाँ पेंसिल से नहीं, यहाँ पेन से लिखा जाना है, या फिर यहाँ ब्लैक पेन से लिखा जाना है, ब्लू पेन से लिखा जाना है, इस तरह से आप बोलते हैं। ठीक, तो पेन, अब चूंकि लास्ट में क्या लिखा है, जाना है, ऐसा किया जाना है, इससे मालूम पड़ा कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये आ रहा है, राइट, जाना है लगा है ना, तो है से मालूम पड़ता है कि प्रेजेंट टेंस में है। और प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में हम दोस्तों इज यूज करते हैं, वॉज नहीं करते, वर नहीं करते, शुड का तो मतलब चाहिए होता है, तो इज, पेन इज टू बी यूज्ड, यूज यानी प्रयोग करना या उपयोग करना, टू बी यूज्ड यानी कि यूज किया जाना है, पेन इज टू बी यूज्ड, तो पेन का प्रयोग किया जाना है, हियर मतलब यहाँ पर, ठीक है, या पेन से लिखा जाना है, दोनों का सेंस वही हो रहा है, क्योंकि दोस्तों हम पेन का प्रयोग लिखने के लिए करते हैं, राइट, ये कॉमन सेंस की बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इज टू बी यूज्ड, करेक्ट। चलिए दोस्तों अगला सेंटेंस है, वो जल्दी उठता है, वो जल्दी उठता है, वो यानी ही, हम यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ही की, वो कोई पुरुष है। अब यहाँ आप सोचते होंगे कि वो ही मतलब तो वह होता है, वो का इंग्लिश क्या होगा, तो दोस्तों ये डिपेंड करता कि आप किसको बोल रहे हैं, यदि वो पर्सन कोई पुरुष है, मेल है, और वो अकेला है, तो आप कहेंगे ही इज एन अर्ली राइजर, चूँकि यहाँ पर क्या है, आप है के लिए दोस्तों इज यूज़ करते हैं, राइट, इसलिए आप वॉज नहीं यूज़ करेंगे, वो है ना, वर यूज़ नहीं करेंगे और कुड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वॉज का मतलब था होता है और वर मतलब भी थे होता है या थी होता है, इस तरह से। तो ही इज एन अर्ली राइजर, राइजर मतलब होता है उठने वाला, अर्ली मतलब जल्दी, तो वह एक जल्दी उठने वाला आदमी है, इसका सेंस ये भी होता है कि वह जल्दी उठता है। दोस्तों इंग्लिश में ज़रूरी होता है कि आप उस सेंटेंस का सेंस यानी जो अर्थ है उसको समझें, ठीक है, उसके एक एक वर्ड पे ट्रांसलेशन पे ना जाएं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन होगा इज। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों है, तुम्हें मेरी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी, परेशानी झेलनी पड़ी, तो आप सेंटेंस के लास्ट में ध्यान देंगे, ऐसा करना पड़ा, ये सेंटेंस पास्ट का हो गया है ना, कि तुम्हें ऐसा करना पड़ा मेरी वजह से। दोस्तों यू यानी तुम भी होता है, आप भी होता है, तुम्हें भी होता है, यू हैड टू, आप हैड का यूज़ करेंगे, क्योंकि हैव का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, शुड यानी होता है चाहिए, सेंटेंस में हमारे चाहिए तो है नहीं बाकी में, कुड यानी सकता था या सका, इस तरह का कोई अर्थ नहीं आ रहा है, तो दोस्तों हैड का प्रयोग करेंगे, जैसे आपको बोलना होता है ना, हैड टू गो जाना पड़ा, हैड टू प्ले खेलना पड़ा, तो यू हैड टू सफ़र, सफ़र मतलब होता है झेलना या ग्रस्त होना, तो यू हैड टू सफ़र, तुम्हें झेलना पड़ा, बिकॉज ऑफ मी यानी मेरी वजह से, बिकॉज मतलब के कारण या के वजह से, तो मेरी वजह से तुम्हें झेलना पड़ा, राइट। चलिए दोस्तों, तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, हैड। दोस्तों कैसा लग रहा है आपको, इस तरह की वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है ये कमेंट करना ना भूलें, राइट, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हर जगह मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, बांटी जा रही हैं, इससे मालूम पड़ा कि ये प्रेजेंट टेंस में है, किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो है के लिए हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, आर यानी हैं, एम यानी हूँ, इस जाने है, तो इसका ऑप्शन होगा आर। स्वीट्स मिठाइयाँ बहुत सारी है ना, बहुवचन में है, तो आप आर यूज़ करेंगे, स्वीट्स आर। बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है बांटी जा रही है,
ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है दोस्तों। तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर, मींस हर जगह, ठीक है, हर जगह मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, राइट। इस तरह से आप कुछ सेंटेंस को याद कर लें दोस्तों, समझ लें और इनका प्रयोग करें। इन सेंटेंस को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। जो सेंटेंस आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल लगता है आप उसको नोट करना ना भूलें, ठीक है, और उसे रोज़ बोलें, उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि बोल बोल कर दोस्तों प्रैक्टिस करना इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है। घाव से खून निकल रहा है, राइट। तो घाव को दोस्तों आप क्या बोलते हैं, वुंड कहते हैं। खून निकल रहा है, पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे, द ब्लड, ब्लड यानी खून, तो ब्लड, द ब्लड इज ऊजिंग। दोस्तों ऊज का मतलब होता है रिसाव होना या स्राव होना, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ से कुछ किसी चीज़ का रिसाव हो रहा है, जैसे आप कहीं घाव लग गया, वहाँ से खून क्या होता है, रिसता है ना, कि पानी की तरह बहता है, खून का रिसाव होता है। तो ऊज यानी रिसाव होना या स्त्राव होना, ठीक है। तो द ब्लड इज क्योंकि यहाँ पर लास्ट में है ना, है रहा है, द ब्लड इज ऊजिंग यानी ब्लड का रिसाव हो रहा है या ब्लड खून निकल रहा है फ्रॉम द वुंड। इसे दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, वुंड पढ़ेंगे, राइट, ध्यान करिए इसको। वुंड यानी घाव, फ्रॉम यानी से। दोस्तों इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, इज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ सेंटेंस हमारा दोस्तों है, मुझे एक किताब दी जाएगी, मुझे एक किताब दी जाएगी। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, दी जाएगी, तो इससे मालूम पड़ा कि फ्यूचर में है, किस में है, फ्यूचर में है, तो आप विल सेल का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ क्या आता है, हम आई के साथ विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, राइट। वैसे तो सेल का भी प्रयोग करते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ विल का भी प्रयोग चलता है। तो आई विल बी गिवेन अ बुक, एक पुस्तक, एक किताब, राइट। आई विल बी गिवेन यानी मुझे दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आखिरी हमारा सेंटेंस होगा, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ऐसा आप डायलॉग सुने होंगे, अक्सर फिल्मों में बोला जाता है कि वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। तो आप कैसे बनाएंगे, ही इज हॉवरिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु, बिटवीन आने के बीच में, हॉवरिंग मतलब होता दोस्तों मंडराना, उसी के आसपास घूमना, मतलब लाइफ और डेथ के बीच क्या हो रहा है, घूम रहा है, मतलब वो लाइफ से जूझ रहा है। इसका सेंस क्या होगा कि वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, राइट। तो ही इज, यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इज, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, चूँकि यहाँ पर क्या लिखा है, रहा है, तो आप क्या प्रयोग करते हैं, इज, तो ही इज हॉवरिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ।